कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट में आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि आज अभी कुछ देर पहले पीडीपी ने प्रोग्राम यहाँ पे किया था हेडक्वार्टर से एहतजाज करने का, तो यहाँ पे पुलिस की भारी तैनाती है। इसके बाद जो ही उन्होंने बाहर निकलना शुरू कर दिया तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की भारी तादाद और प्रेस के नुमाइंदे यहाँ पे पीडीपी दफ्तर के बाहर, हेडक्वार्टर के बाहर खड़े हैं, तो एहतजाज जो आज हुआ, एहतजाज की वजह यही थी कि जो ऑर्डर्स आए हैं कि हिंदुस्तान का कोई भी बाशिंदा कश्मीर से बाहर जो भी हो वो यहाँ की ज़मीन खरीद सकता है, उसी पर एहतजाज के लिए यहाँ पे पीडीपी ने आज एहतजाज का अहतमाम किया था, लेकिन एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फिलहाल यहाँ पे पुलिस तैनात है बाहर सड़कों पे, एहतजाज की इजाज़त नहीं दी गई। जो ही बाहर आना इन लोगों ने शुरू कर दिया तो उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में इस वक्त इन लोगों ने हमारी गर्दनों पे तलवारें रखी हुई हैं, हमारी कनपट्टियों पे बंदूकें रखी हुई हैं। काला कानून हाय हाय, काला दिन का काला कानून हाय हाय हाय, काला दिन का काला कानून ना मंजूर ना मंजूर, काला दिन का काला कानून ना मंजूर ना मंजूर। जम्मू कश्मीर की लूट का बंद करो बंद करो, जम्मू कश्मीर में लूट का बंद करो बंद करो, काला दिन का काला कानून जम्मू कश्मीर की लूट को बंद करो बंद करो, जम्मू कश्मीर में लूट को बंद करो बंद करो, जम्मू कश्मीर पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, काले दिन का काला फैसला बंद करो बंद करो, काले दिन का काला फैसला बंद करो बंद करो। क्या मैंने जैसे आपको कहा कि जम्मू कश्मीर में इन लोगों ने हमारी गर्दनों पे तलवारें रखी हुई हैं, हमारी कनपट्टियों पे बंदूकें लगा दी हैं, यहाँ लूट खसूट मचाई है, यहाँ किसी को बात करने की इजाजत नहीं है। आज हम यहाँ प्रोटेस्ट के लिए जमा हुए थे और आप देख रहे हैं। नाज़रीन, हम आपको बता दें ये स्पोक्स पर्सन है पीडीपी के, तो इन्हें आप देख सकते हैं हमारे साथ इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। पहुंचे हुए थे फिलहाल एक के बाद एक पीडीपी के नेता, तो पुलिस फौरी हरकत में आ गई। जो ही पीडीपी के कुछ बंदे स्पोक्स पर्सन, आपने देखा कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस की भारी तादाद यहाँ पे पहले ही तैनात है। तो आज यहाँ पे पीडीपी ने एहतमाम किया था एहतजाज का, एहतजाज जो ही यहाँ पे किया गया तो यहाँ पे पुलिस फौरी तौर, आपने देखा कि पीडीपी के कार्यकर्ताओं को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया। आज यहाँ पे जो हमसे पहले यहाँ पे एहतजाज हुआ था उसमें यही सुनने को मिला कि यहाँ पे बीजेपी के खिलाफ यहाँ पे इन लोगों ने नारे लगा लिए और फिर इन्हें फिर गिरफ्तार किया गया। फिलहाल यहाँ पे पुलिस की भारी तैनाती है, अंदेशा जाहिर किया जाता है कि और भी कुछ पीडीपी के जो लीडरान हैं शायद एहतजाज मत करेंगे, तो इस लिए पहले ही यहाँ पे पुलिस तैनात है। मैं हाया जावेद, कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट के लिए।